हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायो केम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, आज संडे है, तो हमने सोचा कि आपको चीज़ें दिखाई जाए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर इस समय आपको यहाँ का नज़ारा नहीं दिखाए हैं, तो हमने सोचा कि आज आपको यहीं का नज़ारा दिखा दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर जो खड़े हैं, यहाँ पर इस समय ये देख रहे हो, ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ऊँचा दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा ऊँचा है, ऐसा नहीं कि मतलब कि मतलब नीचे, यहाँ पे देखें तो कितना ज़्यादा गहरा है। यहाँ पे देख पा रहे हो कितना ज़्यादा गहरा है। तो वहाँ पर इस तरीके से वहाँ का आपको हम नज़ारा दिखाए हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो एक आप यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इतना ज़्यादा गहरा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से आपके ऑर्गेनिज्म हैं, कौन कौन से चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, कोई भी बायोलॉजी संबंधित चीज़ें। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं, प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं, एक कम्युनिटी को समझ सकते हैं, एक सिस्टम को समझ सकते हैं। साथ के साथ आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिर से। तो देख पा रहे हैं इस तरीके से, तो आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं स्टूडेंट। आपको यहाँ पर हम खास चीज़ क्या दिखाते हैं, यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे हैं। हाँ स्टूडेंट, दिखाई दिया, यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत अच्छा सिस्टम। यानी कि जो आप रेशम कीट पढ़ते हैं, रेशम कीट जिससे रेशम का धागा बनता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके से इससे जुड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब, अगर हम इसको यहाँ से निकालें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यही रेशम, इस तरीके से देख रहे हैं रेशम में इसमें निकल रहा है ये रेशम। रेशम कीट जो इसको बोलते हैं कॉकून, ये देख रहे हो कॉकून है क्या स्टूडेंट, इसको कॉकून बोलते हैं। और ये जो कॉकून है, इसमें एक कीट है जिसका नाम है बॉम्बिक्स मोराई, उसका नाम है। रेशम कीट का उससे क्या होता है, रेशम कीट मिलता है। अभी ये देख रहे हो इससे क्या होता है, रेशम के धागे बनाए जाते हैं। देख पा रहे हैं आप, आई होप आपको दिख रहा है। यह देखो कितना मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत है स्टूडेंट, देख पा रहे हैं इससे रेशम के धागे तैयार किए जाते हैं। एक चीज़ अगर आपको यहाँ पे हम दिखाएं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलेगा इस तरीके से। कितने सुंदर सुंदर धागे दिखाई दे रहे हैं, कॉकून बहुत कम दिखाई देता है। तो यहाँ पर दिखाई दिया इसको, हमने सोचा कि आपको दिखाया जाए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके से, इसके अंदर हम देखेंगे कि आखिर उसका जो लार्वा होता है, तो कैटरपिलर लार्वा बोलते हैं, वो इसके अंदर हो सकता है मरा होगा, हो सकता है होगा। थोड़ा हम इसको फाड़ते हैं, फाड़ के देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से कितना मतलब ज़्यादा रेशम धागा मिला है। क्योंकि एक हाथ से हम फ़ोन भी पकड़े हैं और एक हाथ से वीडियो बना रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप लास्ट तक बने रहेंगे, इसमें कभी बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी। ये देखो, इसी के अंदर जो है कैटरपिलर लार्वा जो होता है रहता है, वो क्या करता है, चारों तरफ क्या करता है, अपनी ग्लैंड के द्वारा क्या सेक्रेट करता है, इस तरीके से ये जो देख रहे हो रेशम कीट सेक्रेट करता है, चारों तरफ से घेर लेता है अपनी पूरी बॉडी को, जिससे होता क्या है, अंत में एक पूरा कॉकून तैयार होता है। अब उसमें कॉकून जो तैयार होता है, इससे रेशम कीट बनाए जाते हैं, कॉकून से ही रेशम धागे बनाए जाते हैं। इसका रेशम के कपड़े बहुत महंगे आते हैं, रेशम के कपड़े, ध्यान देना। ये जो देख पा रहे हो ये रेशम के धागे हैं, ये बहुत महंगे आते हैं स्टूडेंट। कहने का मतलब इसका कपड़ा, रेशम का कपड़ा कहते हैं ना, रेशम के धागे कपड़ा है। तो इसके अंदर वही कीट जो कैटरपिलर लार्वा होता है, इसके अंदर हो सकता है हो। तो आपको हम इसको अगर दिखाएं तो आप इसको देख पाएंगे। तो आई होप आपको दिखाते हैं इसके अंदर है कि नहीं। इसको फाड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको फाड़ना पड़ेगा। तो हम फाड़ते हैं तब तक कि अंदर देखते हैं, इसी के अंदर होगा। तो ये स्टूडेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मिला यहाँ पे, ध्यान देना भाई, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम फाड़ नहीं रहा, बहुत ज़्यादा मजबूत है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा। इसको हमको रखना पड़ेगा, फ़ोन को यहाँ पे रखते हैं और इस तरीके से हम रख देते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं। आई होप दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये हमको नहीं पता, लेकिन आप देख पा रहे होंगे लगभग, क्योंकि ये ऊपर रखे हैं डाली पे फ़ोन। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको फाड़ रहे हैं। तो फाड़ कर स्टूडेंट देखते हैं इसमें दिखाई देता है कि नहीं लार्वा। काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, देख सकते हो, फट ही नहीं रहा है, कॉकून है इसका। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हम इसको फाड़ रहे हैं।
काफ़ी ज़्यादा मजबूत है स्टूडेंट, थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितने बढ़िया रेशम का धागा जो है देख पा रहे हैं, एक अपने आप में यूनिक है, अपने आप में क्या है, ये चीज़ें बहुत ही यूनिक है। तो अगर हम इसको अंदर तक दिखाने का प्रयास करें तो ये देख सकते हो उसमें इसका लार्वा जो है इसी में डेड किया गया है, इसमें क्या है लार्वा इसका मर गया है क्या शायद, हाँ इसमें है, इसमें बहुत छोटा है, देख पा रहे होंगे, आपको जूम करके दिखाते हैं क्योंकि इसको फाड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये देख पा रहे हैं इसका लार्वा इसी के अंदर रहता है, कॉकून के अंदर, इस कॉकून के अंदर इसका कैटरपिलर लार्वा रहता है और वही कैटरपिलर लार्वा क्या करता है चारों तरफ से ग्लैंड से क्या सिक्रीट करता है इस तरीके से स्लाइमी, और ये रेशम कीट बन जाता है, रेशम कीट का धागा यही बन जाता है, यही क्या होता है धागा बन जाता है। आई होप समझ में आया आपको, थैंक्स फॉर। हेलो स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं ये रेशम कीट का जो कॉकून है, तो इसमें हमने दिखाया था आपको किस तरीके से रेशम कीट जो है उसका लार्वा कैटरपिलर लार्वा जिसको बोलते हैं चारों तरफ से अपने लार से क्या करता है पूरे एक स्लाइमी टाइप का देखो धागा तैयार करता है जिसको रेशम कीट का धागा कहते हैं। अब अगर आपको हम इसमें दिखाना चाहें वो कीट जो उसका जो कीट जो लार्वा था इसमें इसके अंदर है, तो हमने इसको ब्लेड से काटा है और आपको ब्लेड से काटने के बाद तब जाकर काफ़ी मजबूत था तो हम हाथ से इसको फाड़ भी नहीं सकते थे, तो आपको हम यहाँ पर दिखा पा रहे हैं स्टूडेंट, आप आई होप देख पा रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर कीट दिखाई दे रहा है, पता नहीं आप देख पा रहे कि नहीं, यहाँ पर देखो ये देखो मर गया है कीट, ये देखो आपको दिखाते हैं हम, ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको देखेंगे काफ़ी देख पा रहे हैं, इसको हमको पूरा फाड़ना पड़ेगा लगता है, ये देखो कीट मर गया है, इसकी पूरी बॉडी देख रहे हो, देख पा रहे हो इसकी काइटिन की बनी पूरा खोल यानी दिखाई दे रहा है, ये भी आर्थ्रोपोड ही होता है। तो रुको आपको हम दिखाते हैं थोड़ा इसको कर डाला इसी यहाँ पर, इसको पूरा हम ओपन करते हैं और ओपन करके आपको हम पूरा दिखाते हैं किस तरीके से इंसेक्ट यहाँ पे डेड कर गया है, ये आप देख पा रहे होंगे, आई होप कितना बड़ा इंसेक्ट था, होता है लार्वा लेकिन देख रहे हो मरने के बाद इसकी पूरी बॉडी किस तरीके से, ये देख पा रहे हैं, ये देख रहे हो ये है कैटरपिलर लार्वा, ये यहाँ पे ये देख रहे हो कैटरपिलर लार्वा क्या था कि इसके अंदर यानी कि कैटरपिलर लार्वा जो था इसके कैटरपिलर लार्वा जो था इसके अंदर पूरे देख रहे हो इसका पूरा बॉडी यानी कि अपडेट कर गया है, मर गया है यहाँ पर, ये देखो ये मर गया है इसके अंदर था, तो इस तरीके से अभी भी इसका देखो कुछ पार्ट है। तो ये क्या करता है कि पूरे अपने ग्लैंड से क्या करता है सिक्रीट करता है इस तरीके से सलाइमी टाइप का एक रेशम कीट मिलता है जिसको रेशम कीट का धागा कहते हैं, रेशम समझ पा रहे हो तैयार करता है, तो एक छोटा सा उसका लार्वा होता है जिसको कैटरपिलर लार्वा कहते हैं और अंतिम में इसी के अंदर ये मर भी जाता है, सोचो कितना यूनिक है अपने आप में। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट।